आज के एक बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं दोस्तों। मेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं गाड़ी लेने के लिए। डॉक्टर अहमद साहब एमकॉइन से गाड़ी ले रहे हैं, मतलब कई गाड़ी निकल चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ तस्नीफ भाई है और ये अदनान भाई है। ये तो सर अभी हम लोग जो मिल रहे हैं मिस्टर अदनान सर ब्लू डायमंड यहाँ पे जी फैमिली में, और सर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो मीथर फैमिली में हैं तो मीथर एक प्रोजेक्ट जो है क्रिप्टो के ऊपर रन करता है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग लाइक बहुत सारा बिजनेस देखे भी, बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्रिप्टो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बट हम मीथर ही क्यों करें? तो सर से हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर मीथर ही क्यों करें, क्योंकि क्रिप्टो में बिटकॉइन है वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें नेटवर्क का भी काम होता है, बट हम क्रिप्टो के अंदर मीथर ही क्यों करें? सर से हम लोग जानने का, सर थोड़ा सा बताइए कि हम लोग मीथर ही क्यों करें? जी बहुत अच्छा बढ़िया सवाल किया आपने। जैसे मेथर में आने से पहले आपके साथ ही हम लोग पहले ट्रेडिंग भी करते थे क्रिप्टो करेंसी में। तो जहाँ तक सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात है तो हम लोग ट्रेडिंग करते थे, उसमें सिर्फ बेनिफिट हमको मिलता था, लॉस भी होता था, करेक्ट। जब हमको मेथर मिला, और मेथर में आने से पहले क्रिप्टो में भी हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग किया था ट्रॉन थंडर, करेक्ट। उसमें भी बहुत सारे लोग जुड़े और किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। बट मैं मीथर इसलिए रिकमेंड करता हूँ लोगों को क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं ही पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हर कोई पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीडर लोग ही गाड़ी खरीद रहे हैं। आज हमारे ठाकुरगंज इलाके में ही इतनी सारी गाड़ियाँ, तकरीबन 10 से 15 गाड़ियाँ आ चुकी है, वो सिर्फ मीथर से ही आई है, मीथर की कमाई से ही आई। आज हम लोग एक गाड़ी ले रहे हैं वो भी मीथर की कमाई से आ रही है, और बहुत जल्द और भी गाड़ियाँ आने वाली है। तो इसलिए मैं यही इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि मीथर में सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे साथ जो भी जुड़ रहे हैं सबका कहीं ना कहीं सबका फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ये जो एक स्लोगन है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये जो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही पॉसिबल है, और यहाँ पर सिर्फ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। तो इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि मेथर कीजिए, वी आर मेथर एम्पायर फ्यूचर। जैसे कि ये सवाल हमने सुना, ये क्लियर है हम लोग के आखिर मीथर ही क्यों करें, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। तो साथ में सर ये भी है कि क्रिप्टो में तो एक बहुत लोगों का लगता है कि रिक्स रहता है, और जैसे कि क्रिप्टो में ये भी चीज़ है कि आप जाके डायरेक्टली ट्रेडिंग करके अपने आप को सेव कर सकते हैं, ट्रेडिंग कीजिए एनी टाइम आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। बट मीथर में ये भी आप कंडीशन के साथ काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर टीम बना रहे हैं, आपका पेमेंट दे रहे हैं, जो भी आप एक्सपायर जो भी पैकेज ले रहे हैं वो पैकेज आपका 900 दिनों के लिए या फिर आपका 2.5 साल के लिए डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को रिक्स भी लोग समझते हैं कि यहाँ पर रिक्स भी हो सकता है। तो सर थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। देखिए जहाँ तक रिस्क की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जो विदाउट रिस्क है। हर कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं हर जगह रिस्क है। सबसे बड़ा एग्जांपल है हम लोग ने जो बहुत ही करीब से फेस किया है वो है लॉकडाउन कोविड का टाइम, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का बिजनेस फ्लॉप हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, बट एक तीन ही इंडस्ट्री ऐसी थी जो उस वक्त सर्वाइव की, जो बहुत अच्छे से सर्वाइव की, एक फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और एक ऑनलाइन इंडस्ट्री, जो मतलब जो ऑनलाइन इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे थी, करेक्ट। और कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर हैं। तो जब तक दुनिया है तब तक, जब तक इंटरनेट चल रहा है तब तक उस इंडस्ट्री को कभी कुछ होने वाला है नहीं। दुनिया में कितना भी बड़ा डिजास्टर आ जाए लेकिन ये तीन इंडस्ट्री कभी नहीं बंद होने वाली है। और जहाँ तक क्रिप्टो की बात है, जैसा आपने कहा कि आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं सेफली, मुझे नहीं लगता वहाँ पे हम लोग सेफली कर सकते हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं, इसके एक्सचेंज पे जाके हम लोग सेफली ही कर सकते हैं। और तो जहाँ तक रिस्क की बात है, ठीक है, रिस्क हर धंधे में है। शोरूम को बनने के लिए टाइम लगा, उसने तकरीबन 1 साल इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, जमीन खरीदा, इसका स्ट्रक्चर बनाया, इंटीरियर बनाया, कार खरीदा, तब तक वो पैसा नहीं कमा रहा था, अपने जेब से पैसा डाल ही रहा था। जब इसकी पहली गाड़ी बिकी तब उसने थोड़ा पैसा कमाया, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ दिन इन्वेस्ट करना पड़ा। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही है कि आपको इन्वेस्ट करके आप कुछ दिन इंतज़ार करें, और जब एक बार प्रॉफिट आने लगता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक चीज़ सर, वही आप हमारे भी जो आज हमारे यूज़र्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं सर के, जो इनको फॉलो करते हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी लोग आज एमकॉइन में जुड़े हैं, मेथर फैमिली से जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, नहीं हो रहा है इन्वेस्ट कीजिए, डरिए मत, डरिए नहीं, क्योंकि कंपनी जो हमारा जो
बैक सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी हर तरीके से पॉसिबल कोशिश कर रही है कि अपने लोगों को अच्छे से अच्छी सर्विस दे, और वो दे रही है। जितने भी सारे ग्लिच आए थे वो कंपनी ने अपने वादे के मुताबिक सारे के सारे सॉल्व किए, और जो भी आगे चीज़ें चल रही है, जो प्लान चल रहा है, वो कंपनी अपने वादे के मुताबिक हर एक चीज़ कर रही है। बस हमको ये कि सब्र के साथ काम करते रहना है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बैठ के सिस्टम को सही होने का इंतज़ार करें, या तो अपना काम करके हमारा एटलीस्ट हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि हम काम करें, कल भी काम करेंगे, आज भी करेंगे, क्योंकि तो आज ही काम करते हैं, एटलीस्ट हम हमारा क्राइटेरिया फुलफिल करें, चाहे वो रैंक का हो, अपने टारगेट के लिए काम करें। सबसे जरूरी बात आपका टारगेट रखें और टारगेट के लिए काम कीजिए। हर एक चीज़ पॉसिबल है, मिथर है तो मुमकिन है। सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एमकॉइन से एक कार अचीव किया, इसके बारे में जो आपका सफ़र रहा, ये कैसा सफ़र रहा, इसका निगेटिव और पॉजिटिव थोड़ा सा आप अपना सफ़र के बारे में बताइए। बड़े भाई साहब ही उन्होंने ही बारे में बताया, फिर हमने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। बहुत मेहनत और मुश्किल के बाद आज साहब ने मेरे बात ये मुकाम हासिल किया है, और कमाई औकात नहीं थी कि इतनी बड़ी कार अचीव कर सकूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ से पॉसिबल है जी। शॉर्ट टाइम पे यहाँ ये मिथर का कमाल है कि हम लोग ने हमने ये कार्य किया। ये जो सफ़र रहा आपका, कितना डिफिकल्ट रहा? बहुत डिफिकल्ट रहा। जब हम लोग पहले लोगों के पास जाते थे तो लोग हर चीज़ डॉलर से देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारा इलाका उस हिसाब से नेटवर्किंग मार्केट से बिल्कुल नेगेटिव है। तो यहाँ से हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपकी आंखें नम क्यों गई है? तब जाके मंजिल मिली है, बहुत बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद। आप जो हमेशा मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते रहते हैं जी, अहमद रजाज, बिल्कुल नम आंखें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कारण बस कारण ये है कि खुशी हुई है कि हमने मेहनत करके अपने दम पर लिया। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी है हमारा इनकम जो प्लान है, मेथोबल जो है, उस पर जुड़िए, उसके साथ जुड़िए और अपना मुस्तकबिल को कामयाब कीजिए और अपने आप को वेल फील कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई ये कह रहा है कि एमकॉइन कीजिए, आखिर एमकॉइन ही क्यों करेंगे हम? व्हाई, रीज़न क्या है? मैं आपका शॉर्टकट में आपको इस बात का जवाब दे सकता हूँ सर। मेरा नाम असद अभी हुआ, मैं भातपा पंचायत से हूँ। लोग कहते हैं कि एमकॉइन कीजिए। एमकॉइन करने का मतलब असल में क्या मायना है, क्या मकसद है वो करने का? ये कहावत आप सुने होंगे, नेटवर्क ही एक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, कम समय में बड़ा पैसा बना सकता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेथड जैसे कॉन्सेप्ट हमें मिला, और मेथड में हमने वो देखा है, बोल रहे कहावत है कि कीचड़ में कमल फूल खिलते देखा है। तो रियलिटी सेम टू सेम वो एग्जांपल मैंने आपको सेटअप किया कि मीठर में आने के बाद हमारी ज़िंदगी जहां एक अंधेरी दुनिया में थी, आज हम अपने जीवन में 360 डिग्री के उछाल पे आके एक उजाले वाले ज़िंदगी में जी रहे हैं। सर आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सब्सक्राइबर के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है कि मैं आपको कहूँगा मीठर में आप भी आइए और हमारे इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।